तो अभी हम खड़े हैं अर्मेनिया में और ये हमारा अर्मेनिया में पहला दिन है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारा पहला इम्प्रेशन, बोलो द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अर्मेनिया, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर करेंसी कैसे मैनेज करनी है, सिम कार्ड कहाँ से खरीदना है, अपने डे ट्रिप कैसे बुक करने हैं, और पहले दिन अर्मेनिया में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या घूम सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हमारा अर्मेनिया का पहला इंप्रेशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो जॉर्जिया से एक स्लीपर रशियन ट्रेन पकड़कर हम लोग पहुंच गए हैं अर्मेनिया, और अर्मेनिया लैंड करते ही हमारा सबसे पहला मिशन है कि करेंसी एक्सचेंज करानी है। तो भाई हमारा ना फर्स्ट टाइम है कि हम न्यू ग्लोबल से पैसा निकालेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने हमसे कितने चार्जेस लिए। न्यू ग्लोबल कार्ड लेने के बाद हमें लगा हमारी लाइफ सॉर्टेड है, हम आराम से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि हमें इसकी ऐप में जाकर के कैश डिस्पेंस ऑन करना था, और ये बात इस समय हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। सॉरी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन टेक्निकल प्रॉब्लम, तो ये चल नहीं रहा भाई इसमें कार्ड, न्यू ग्लोबल तुम फेल हो गए, अब हम अपना निकाले बैंक वाला वीजा कार्ड। राउंड टू फाइट, अब हम जाएंगे ICICI बैंक के कार्ड के साथ क्योंकि DCB न्यू बैंक ने तो यहाँ पर पोटी कर दी, उससे काम हो ना सका, हो पा ना सका। अब ये हमारा वाला कार्ड कितना काम करके दिखाएगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम डालेंगे पिन मत दिखाइए सिल्वी, डोंट प्रिंट, अब नाक मत कटवाइयो वरना हमारे, सॉरी टेक्निकल इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट। ये फॉरेक्स है भी या पता नहीं है, पर ये तो नहीं निकाल रहा है, फिर कुछ और से देखते हैं। तो न्यू ग्लोबल की गलती ना है क्योंकि जेव फेल है वो। जैसे ही आप यरवन के स्टेशन से बाहर निकलेंगे नीचे की तरफ आपको नजर आ जाएंगे एक्सचेंज बने हुए, लेकिन अभी समय सुबह का है तो एक्सचेंजेस सारे बंद हैं। तो पास ही में बने हुए दूसरे ATM से हमने निकाला कुछ कैश, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से, और लिए मेट्रो की टिकट और सीधा पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। और अर्मेनिया की मेट्रो में दौड़ते भागते हुए हम लोग पहुंच गए रिपब्लिक स्क्वायर, और रिपब्लिक स्क्वायर से सिर्फ 3-4 मिनट की वॉक के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे होटल। तो ये एक हॉस्टल कम होटल है जहां पर आपको बंक बेड्स के साथ साथ प्राइवेट रूम्स भी मिलते हैं, और क्योंकि यहां पर हॉस्टल भी है तो आपको यहां पर किचन भी मिल जाती है जहां पर आप आसानी से खाना बना सकते हैं, और आप यहां पर हमारी तरह से प्राइवेट रूम ले सकते हैं। और प्राइवेट रूम ये छोटा सा एक कमरा होता है जहां पर दो लोग आसानी से रह सकते हैं, पर वॉशरूम कॉमन और शेयर्ड ही है। तो चलो हो गया हमारे हॉस्टल का टूर, अब नोना बच्चा बनकर हम चलते हैं यरवन की गलियों को घूमने के लिए और आपको दिखाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अर्मेनिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारे वेजी वॉन्डर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है, एंड दिस इज गगन सिंह गुड मॉर्निंग फ्रॉम अर्मेनिया का कैपिटल विच इज येरेवान। जी हाँ, हमारी 4 कंट्री की सीरीज बन रही है जिसमें हमारी पहली कंट्री थी जॉर्जिया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, हमने उसमें आई थिंक 5 दिन कवर करे एंड दैट वाज अमेजिंग। और आज है हमारा पहला दिन येरेवान में। जॉर्जिया से अर्मेनिया हम आए हैं बाया इंटरनेशनल ट्रेन, जो हम सुबह ही लैंड करे हैं अराउंड 7:30। और अगर आपको उसके बारे में जानना है कि टिकट कैसे बुक करनी है, कैसा एक्सपीरियंस था, ट्रेन कैसी होती है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेन कैसी होती है, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं, कैसा होता है इमिग्रेशन, ऑन लैंड इमिग्रेशन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको अभी एक लिंक दिख रहा होगा ट्रेन वाला, तो आप यहाँ पर जाना, और अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू जॉर्जिया एंड अर्मेनिया तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू फ्लाइट से आना। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ अर्मेनिया के बारे में। हमारा अभी तक का जो दिन अभी बच गए हैं 11:30, तो वो कैसा रहा, तो 7:30 बजे हमें सुबह सुबह ट्रेन ने उतारा। इंटरनेट का बहुत इशू था क्योंकि रेलवेज में फ्री इंटरनेट तो था, वाईफाई तो था, बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं उन्होंने ऑफ कर रखा था, जो भी एक्सवाइज़ेड रीजन था। तो वहाँ पर एक पुलिस वाले भैया थे, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे एक टैक्सी बुक करनी है अपने होटल जाने के लिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप हॉटस्पॉट दोगे, एंड ही वॉज वेरी नाइस। तो उन्होंने अपना हॉटस्पॉट ऑन करा, मैंने चेक करा कि मेरा होटल जो है वो टैक्सी से कितनी दूर है, यहाँ पर येंडेक्स गो चलती है, बोल्ट नहीं चलती यहाँ पर, तो येंडेक्स से मेरे को वो दिखा रहा था करीब करीब 600 ड्राम, मतलब यहाँ की करेंसी जो है। और मैं उसमें देख रही थी, मेट्रो में देख रही थी, तो जो मेरा होटल है वो बिल्कुल रिपब्लिक स्क्वायर के बिल्कुल पास में था, तो इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन और का जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल पास में ही था। सो वी जस्ट थॉट कि ठीक है यार, मेट्रो से ही चलते हैं घर अपने, मतलब होटल अपने। तो हम दोनों के दोनों मिला के लगे 200 ड्राम, तो 200 ड्राम को अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 करूंगी तो इंडियन की करेंसी हो जाएगी 40 रुपये फॉर 2%, मतलब 20 रुपये की टिकट थी,
दो स्टेशन की, क्योंकि होटल और जो रेलवे स्टेशन था वो सिर्फ दो मेट्रो स्टेशन की दूरी पे ही था। तो हमने मात्र खर्च करे 40 रुपए इंडियन रुपीज और हम लोग पहुंच गए अपने होटल। तो अब मेरे को आपको दो चीजें बतानी है। एक तो बताना था कि सिम अभी तक अवेलेबल नहीं मिल, मुझे मिला ही नहीं है सिम, क्योंकि रिपब्लिक स्क्वायर के पास में हम लोग निकले थे अराउंड 10:30-11 तो सारी दुकानें बंद थी और हमें समझ में नहीं आया। तो वी जस्ट थॉट कि ये रेस्टोरेंट का अपना हॉस्टल का अपना वाईफाई यूज करते हैं और एटलीस्ट अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे निकलते हैं। सेकंड था करेंसी। अब जब हम रेलवे स्टेशन में उतरे, एयरपोर्ट में आप उतरते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंजेस बहुत सारे आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पर करेंसी की बहुत प्रॉब्लम हुई, थे तो बहुत सारे बट मॉर्निंग में सब बंद थे, मतलब 7:30 एवरीथिंग वाज क्लोज। तो वहां पर ना वो था क्या कहते एटीएम था, तो हमने क्या किया अपने कार्ड से हमने 5000 ड्रम्स निकाल लिया और अभी हम वो ही यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी आपको मैंने करेंसी एक्सचेंज बता दिया, हमने एटीएम के थ्रू करा। उसकी सर्विस फीस कितनी लगी है वो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी हमारे बैंक अकाउंट में। तो जो भी उसकी सर्विस फीस होगी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी कि 5000 ड्राम को इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग जो हमने कन्वर्ट करा है तो उसकी कितनी सर्विस फीस लगी है। सिम की बात करूं, ऑप्शन तो वहां पर थे दुकानें मगर बंद थी, तो अभी तक हमारे पास कोई सिम नहीं है। और हमने पकड़ी अपनी यंडेक्स फ्रॉम माय होस्टल और हम लोग आ गए अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है कैस्केड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं अपने हॉस्टल की आपको बात बताऊं तो हॉस्टल हमारा बिल्कुल रिपब्लिक स्क्वायर के पास में, अरेवा हॉस्टल उसका नाम है। तो वहाँ पर बंक बेड भी है, वहाँ पर रूम्स भी हैं, हमने रूम करा है और हमारा जो पर रूम की जो कॉस्ट है वो पड़ी है 1700 इंडियन रुपीज पर नाइट। अगर आपको वहाँ पर बंक बेड लेने थे तो बंक बेड भी अवेलेबल है, ऑब्वियसली वो कुछ होते 1000-1100 पर पर्सन होते, बट सिंस आपको पता है पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि अरुण के लेग में थोड़ा माइनर सा फ्रैक्चर आ गया, तो इसलिए हमने बंक बेड अवॉइड करे एंड वी जस्ट शिफ्टेड आवरसेल्फ टू रूम जो कि 1700 के अराउंड हमें पड़े। हॉस्टल का जो मतलब होटल कम हॉस्टल है वो, तो उसका जो लोकेशन दैट इज वेरी गुड, वो बिल्कुल रिपब्लिक स्क्वायर के पास में। अगर आपको बुक करना आप अरेवा हॉस्टल करके आप booking.com या फिर अगोड़ा से आप चेक कर सकते हो। वहां से जब हमने टैक्सी करी यंडेक्स फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए विच वॉज कैस्केड, तो हमारे लगे हैं मोटा मोटा आई थिंक 500 ड्राम्स लगे हैं शायद। तो 500 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो सिर्फ 105 इंडियन रुपीज के करीब ही लगे थे, तो विच वॉज ओके। तो थॉट की चलो यार पहली डेस्टिनेशन है, सुबह सुबह का टाइम ऑलरेडी, रात की ट्रेन में थी, तो हम लोग 15 मिनट में पहुंच गए कैस्केड। कैस्केड जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो अगर आप देख रहे हो वो वहां से स्टार्ट हो रहा है, वो जो सबसे नीचे आपको गाड़ियां दिख रही होंगी वो वहाँ रोड से स्टार्ट हो रहा है और ये सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ते 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 ऊपर जा रही हैं। मेरे हिसाब से कुछ 1200-1500 सीढ़ियाँ होंगी और अगर आप सामने देखोगे ना वो माउंटेन, सो दैट इज माउंट अरारत विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस माउंटेन ऑफ आर्मेनिया रीजन, तो वो जहाँ पे बर्फ है, तो ये है माउंट अरारत। यहाँ से पूरे आर्मेनिया का जो एक आपको मोटा मोटा 270 डिग्री का जो व्यू दिखेगा ना, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत सुंदर व्यू है। बट अगर आपको दिक्कत है चढ़ाई चढ़ने में तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं, मगर इफ़ यू आर फिट एंड फाइन तो आई विल रिकमेंड कि दिस शुड बी योर फर्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि मॉर्निंग में फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती है, वीडियोज़ बहुत अच्छी आती है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ स्पेंड करेंगे 10-15 मिनट और फिर हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे। बट उधर जाने से पहले वी नीड टू जस्ट सॉर्टेड आउट आवर सिम, तो देखते हैं कहाँ से सिम मिलती है। बाकी आओ आपको एक बार व्यू दिखाते हैं हम आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन का। तो जी अब हम बैठ गए हैं फिर से यंडेक्स में और हम लोग जा रहे हैं गई बस स्टॉप। क्यों जा रहे हैं गई बस स्टॉप, क्योंकि वहां से मेरी रिसर्च के हिसाब से हमें मिनी बस मिलेगी टू टेंपल ऑफ गार्नी। तो दो यहां पर, एक टेंपल ऑफ गार्नी है और एक गिगार्ड है। तो पहले हम गार्नी जाएंगे, फिर गार्नी से हम फिर एक्सप्लोर करते हैं कि गिगार्ड तक कैसे जाना है, क्योंकि जो मिनी बस है वो सिर्फ गार्नी तक जाती है। तो दो तरीके हैं आप टेंपल ऑफ गार्नी एंड गिगार्ड जाने के, या तो आप जो पब्लिक बस है जैसे हम जा रहे हैं वैसे जा सकते हो, या फिर आप डे टूर कर सकते हो। डे टूर का ना भी अभी तक मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हो गए 2-3 घंटे। आज एक तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी किसी से पता चला कि आज ना इट्स अ नेशनल हॉलीडे, इसीलिए सारी दुकानें बंद है, इसलिए हमें कोई एक्सचेंज की दुकान नहीं दिख रही, कोई सिम की दुकान नहीं दिख रही। तो मुझे पता नहीं था कि आज बंद रहेगा और ना मेरे हॉस्टल वाले ने मुझे बताया कि आज बंद रहेगा ये सारा हिसाब किताब, नहीं तो मैं एक दिन आगे पीछे एडजस्ट कर लेती, मतलब ठीक है समहाउ। सो द पॉइंट इज कि मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गई बस स्टॉप से यू गेट मिनी बस जो जाती है गार्नी टेम्पल तक, और गार्नी टेम्पल इज अ वेरी गुड टेम्पल इफ़ यू आर कमिंग टू आर्मेनिया, तो ये वन ऑफ द स्पॉट है जहाँ पर आप जा सकते हो, बहुत ही पिक्चर्स किया। दूसरा पॉइंट ये है कि येरेवन में आज का वैसे मेरा प्लान था कि नॉर्मल लोकल येरेवन घूमना, जिसमें एक कैस्केड कॉम्प्लेक्स था, एक ब्लू मॉस था, एक गम मार्केट थी और एक और था रिपब्लिक स्क्वायर था जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ का नाइट लाइफ इज़ वेरी यू नो अमेजिंग। बट
वी जस्ट थॉट कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो एक बार कैस्केट म्यूजियम चले गए, कैस्केट कॉम्प्लेक्स सॉरी चले गए, फोटोग्राफ्स वगैरह की चाली, अच्छा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारी सीढ़ियां थी, बट वहां से माउंट अरारत का व्यू वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बिल्कुल बर्फ से लिपटा हुआ पहाड़। तो अभी दिन का टाइम है, सो वी जस्ट थॉट कि टेम्पल ऑफ गार्नी चलते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो एटलीस्ट हम दिन दिन में कहीं और तो एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर मैं उसको थोड़ा दोपहर का रखती तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 6:30 जो है वो टेम्पल ऑफ गार्नी बंद हो जाता है, तो फिर वो मिनी बस मुझे मिलती ही नहीं मिलती, वी वर नॉट श्योर। सो जस्ट थॉट कि एक पॉइंट येरेवन का कवर करते हैं, लेट्स नाउ एक्सप्लोर थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ येरेवन, ठीक है जी, जो कि है कुछ आई थिंक 25-26 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम येरेवन का जो सिटी सेंटर है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या गई बस स्टॉप से हमें मिलती है मिनी बस या मार्शुताज या नहीं मिलती, आपको बताते रहेंगे, हम विल अपडेट यू। तो गई बस स्टॉप से पकड़ी हमने ये मिनी बस, इसको दिए 500 आर्मेनियन द्रम और निकल दिए गेगार्ड मोनेस्ट्री की तरफ। Are you from Armenia? Okay, going to Gegard. Thank you. हमें एक्चुअली जहाँ उसने मार्श होता ने उतारा, मिनी बस ने उतारा, वहाँ से था ऑलमोस्ट 2.8 किलोमीटर, तो सोचा कि चल ऐसे हिच हाइकिंग का पूछते हैं। तो ये जो भी भैया भाभी जो जा रहे हैं, इन्होंने ऐसे हल्का सा कारण उन्होंने गाड़ी रोक दी, तो इट वॉज सो यू नो गुड कि इन्होंने फटाफट गाड़ी रोक दी। तो सुना था मैंने कि आर्मेनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, सीरियसली अच्छे, इनको ना इंग्लिश आती है ना हमें आर्मेनियन लैंग्वेज आती है। मैंने सिर्फ इतना सा बोला गेगार्ड, तो आज 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 फटाफट आ जाओ, और अगर बाई चांस आपको हिचहाइकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, नहीं मिलती है, तो वहाँ से टैक्सीज भी चलती हैं जो 4 या 5 हज़ार ड्राम्स लेती हैं, तो आप उससे भी आ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम ऊपर चलते हैं। जैसा जॉर्जिया में था ना कि ब्रेड्स और चुर्च खेला अवेलेबल है, यहाँ पर भी देखो जैसे ही आप आओगे ब्रेड चुर्च खेला सब अवेलेबल है। तभी ऊपर चढ़ते हैं, आपको मैं दो डिफरेंस बताऊंगी गार्नी और गेगार्ड में डिफरेंस क्या है, एक है पेगन और ये है मोनेस्ट्री। तो चलो ऊपर चलते हैं, फिर आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी। अरुण वो देखो एक प्लस प्लस का साइन, प्लस प्लस का साइन बना, अच्छा लग रहा है ना, जगह जगह बना रखा है, चार है। चलो लेट्स गो। आप Armeni sucuk. Armeni? Sucuk. Armeni sucuk. Sucuk. Roba. Roba. Ete honey. Honey. Pomegranate. Apricot. And this is? Honey. Honey. Walnuts. Ete arji ve beri beri. Ete lavaş. Ete kur. Tu yan bol dedi ki sucuk. Yan bol dedi? Armeni. Çocuk gel. Ete pes. Sucuk. And what is this? Ete pro. Apricot. Apricot. That's sucuk. What name? हाँ जी, तो जो हमने यंडेक्स करी थी गई बस स्टॉप के लिए, तो गई बस स्टॉप के पास में एक मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, उसके बिल्कुल सामने से ही हमें मिनी बस जिसे मार्क्स शुताई बोलते हैं वो मिल गई थी, नंबर है 266 जिसमें हम आए हैं। देर मल्टीपल बसेस जो चलती हैं, आप जरूर ड्राइवर से कंफर्म कर लेना कि वो आपके डेस्टिनेशन पर जाएगी या नहीं जाएगी। क्या नाम है डेस्टिनेशन का, क्या नाम है जहाँ आना था? गार्नी गेगार्ड। हाँ, तो हम अभी गेगार्ड में हैं, तो गार्नी और गेगार्ड में से आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ की आपको मार्कशीट मिल जाएगी, जिसने हमसे लिए हम दोनों के 1000 आर्मेनियन दिरहम, विच इज इक्विवेलेंट टू 200 रुपये दो बंदों के, तो 100 रुपया पर पर्सन में हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और हमने नियो ग्लोबल से फिर कैश आउट भी कर लिया, सुबह इसलिए कैश आउट नहीं हुआ था क्योंकि हमने अपना कैश आउट ऑफ किया हुआ था, तो घर आके इंटरनेट लेके हमने उसको ऑन कर लिया, सिम अभी तक हमें मिला नहीं है। तो बात हो रही है फर्स्ट इम्प्रेशन की, पहला इम्प्रेशन की इनकी करेंसी हमसे 5 गुना कम है, मतलब हमारा 1 रुपया यहाँ के 5 आर्मेनियन दिरहम के बराबर है। लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, नहीं ही आती, लेकिन करेक्ट, पर लोग बहुत अच्छे, कोशिश पूरी करते हैं समझाने की समझने की। तो आपके पास इंटरनेट होना मैंडेटरी है, और हमारे पास आज है नहीं क्योंकि आज इनका कुछ तो सैड डे है, बोलते हैं कि मास जेनोसाइड किया गया था कभी, तो उसके उसमें ही लोग आज थोड़ा मौन टाइप है और दुकानें बंद है, तो हमें सिम नहीं मिली है अभी तक, तो हम बिना सिम के ही निकल आए हैं। तो हम मार्कशीट लेके गेगार्ड डायरेक्टली आ गए थे, पर जो ये मेन व्यू पॉइंट है वो वहाँ से 3 किलोमीटर और आगे है, जैसे अगर ने बताया, फिर हमने हिचहाइकिंग कर ली, तो उन्होंने वो, तो मतलब लोग बड़े प्यारे हैं, सुंदर लोग हैं, तीखे तीखे नैनक्स, बहुत बढ़िया जगह है, और ये व्यू पॉइंट भी मस्त है। हाँ, और एक्सट्रोवर्ट है लोग, एप्रिकॉट की तरह बच्चे सारे एक्सट्रोवर्ट, हाँ एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, ऐसे इंट्रोवर्ट नहीं है,
और बहुत ही प्यारी जगह हम लोग आ गए हैं। अभी आपको पूरा व्यू दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। पर अभी तक का जो इम्प्रेशन है हमारा आर्मेनिया को लेकर वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो जो हमने वो खाया था ना, क्या नाम था, चुर्चखेला जॉर्जिया में जो चुर्चखेला, यहाँ पे शिजुक करके जो वो यहाँ वाला मुझे बहुत टेस्टी लगा यार। जॉर्जिया वाला थोड़ा हार्ड था, वो फर्क ये फ्रेश होगा। हाँ ये फ्रेश होगा, एंड द रीजन बीइंग कि वो रेस्टोरेंट में था, वो शायद बहुत टाइम पुराना था, हमने लोकल मार्केट से नहीं खाया था। पर आज वाला बहुत नहीं, बट मैंने खाया था, सॉरी, मैंने खेती वाइन वाले उसमें खाया था, ऐसे ही टेस्ट था। हाँ, सेम सॉफ्ट, अच्छा नहीं वैसा हार्ड वाला, अच्छा। हाँ तो वहाँ का जो चुर्चखेला जो शुजुक है वो उतना टेस्टी नहीं, हमें नहीं लगा। मतलब ट्राई जरूर करना दोनों जगह, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो चलो भाई आपको बाकी गर्मी नहीं दिखाते, पर अभी तक का इम्प्रेशन जानदार। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है गिघाट मोनेस्ट्री, और ये बहुत पुरानी बनी हुई है। आई थिंक ये फोर्थ सेंचुरी की बनी हुई है ये मोनेस्ट्री, और यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आल्सो। और पूरे आर्मेनिया में ना आपको बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगे, जिसमें से ये गिघाट मोनेस्ट्री इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक्चुअली फॉर क्रिश्चियनिटी ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस स्पॉट है। ये रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर बोलते हैं ऐसे, मतलब वो अंदर जाकर हम भी चेक करेंगे, कि जब जीसस क्राइस्ट जब उस पर अपने क्रॉस पे थे, तो उनके यहाँ जो कीले ठुके हुई थी उनके पूरे शरीर पे, तो उसमें से एक जो कीला था, जो स्पीयर जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको मोनेस्ट्री ऑफ स्पीयर भी बोलते हैं। तो जो वो एक कीला था वो यहाँ पर लाया गया था और उसको प्रिजर्व किया गया। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस मोनेस्ट्री है या चर्च है फॉर क्रिश्चियंस। एक और चीज़ है, जॉर्जिया बोलता है कि दैट वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, आर्मेनिया बोलता है आर्मेनिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, जॉर्जिया बोलता है कि उनकी जो वाइन है वो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी अराउंड 8000 ईयर्स पहले, आर्मेनिया बोलता है कि उनकी वाइन सबसे पुरानी अराउंड 7000 ईयर्स पहले, वो बोलते हैं हमने ब्रेड पहले इन्वेंट करी, ये बोलते हैं हमने ब्रेड पहले इन्वेंट करी। तो यहाँ पर अब इसलिए हम ना खाने का भी जैसे यहाँ पर मिक्स है, जैसे वो चुर्चखेला था यहाँ पर स्फिक्स कुछ ऐसे था, मैं भूल गई नाम, तो वो सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पर भी ना, बिकॉज दे आर शेयरिंग द बॉर्डर, जॉर्जिया ऊपर आर्मेनिया नीचे है। सो ओवरऑल अभी तक जो ये चर्च है वो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और अगर आपको मौका लगे आर्मेनिया आने का तो आप भी ये वाली जो है चर्च एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके नीचे ही ना आजाद रिवर भी है, वो अभी तक तो हमने देखी, आई थिंक हम जब कहीं आगे पीछे जाएंगे तो हमें शायद वो आजाद रिवर दिखे। तो रिवर के साइड में ये जो माउंटेन, आई थिंक आजाद रेंज, आजाद माउंटेन बोलते हैं इनको, और वहीं पर ही बीचों बीच ये चर्च बना रखी है। बेहद खूबसूरत, बेहद ठंडा मौसम हो रखा है अभी, तो इट्स गुड पॉइंट। और अगर आपका प्लान बने तो यहाँ पर जरूर आना, इधर आते हो तो फिर ये मोनेस्ट्री मत मिस करना, ठीक है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं मोनेस्ट्री इन अ बजट स्टाइल। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि स्फीयर यहीं पर ही था, वो 18 सेंचुरी तक यहाँ पर था स्फीयर, फिर उसके बाद कोई और सिटी में चला गया, म्यूजियम में चला गया, आई थिंक अजर मियानी करके, मैंने अंदर से फादर से बात करी थी तो उन्होंने कोई और बताया मुझे कि वहाँ पर म्यूजियम में चला गया, अजर मियानी शायद वो कह रहे थे। बट अंदर से चर्च बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठंडा बिल्कुल और शांत, तो बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस विद आई विल 100% रिकमेंड कि यहाँ पर ज़रूर आना, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। हाफ डे डे ट्रिप टूर भी कर सकते हो आप। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो होगा टेम्पल ऑफ गार्नी। तो सब अगर आप येरेवन से आओगे ना, तो येरेवन से जब हम आते हैं, ईस्ट की साइड पड़ता है, तो येरेवन से जब आप आओगे तो पहले पड़ेगा गार्नी, फिर पड़ेगा आपका गिघाट। तो जो ये गिघाट है, तो हमने क्या किया, पहले गिघाट तक पहुंच गए मिनी बस से, अब हम वापस जाएंगे गार्नी। अब आपको मिलते हैं हम टेम्पल ऑफ गार्नी में, जो कि एक क्या है, वो एक चर्च नहीं है, बट इट्स अ सन टेम्पल। तो एक बार आपको समझाते हैं वहाँ की हिस्ट्री। हाँ मी हाथ, तो ये अभी एक ब्रेड लिया, देख रहे हो साइज कितना जम्बो साइज है भाई, और ये आंटी दे रही है 200 दिरहम की, बड़ी सस्ती है यार, और है ना, हाँ 40 रुपये की, इतनी बड़ी खा जाऊँ क्या, ऐसी मन कर रहा है। अच्छा पानी सॉफ्ट करने के लिए, ये तो अजीब, लास्ट परमेंट्स तंदूर। तो ये जी इंडियन 40 रुपये की ब्रेड, आंटी ने हल्का सा नमक डाला, उसको हल्का सा गर्म करा ताकि सॉफ्ट हो जाए, टेस्ट इसमें कुछ ज़्यादा, हल्का सा नमक भी है ना, बढ़िया ब्रेड है यार। हम वापसी के लिए, हिचहाइकिंग के लिए
वेट कर रहे, सबको मैसेज ऐसे कर रहे, मेरे को रोक ही नहीं रहा है गाड़ी, मेरे को लग रहा है पैदल पैदल चलना पड़ेगा, चलो अरुण आओ। तो गिगार्ड से 45 मिनट वॉक करने के बाद हम लोग उसी स्टॉप पे पहुंच गए थे जहां पे हमें उस मिनी वैन ने छोड़ा था। जैसे ही हम पहुंचे तुरंत मिनी वैन तैयार खड़ी थी, मानो हमारा ही वेट कर रही हो, और उसने हमें 400 आर्मेनियन दिरहम में छोड़ दिया है। अब गार्नी जहाँ पॉइंट पे उतारती है बस, वहाँ से लगभग 600-700 meters की वॉक है। अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं और थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे गार्नी के मस्त मस्त से व्यूज। तो जी हमारी तीसरी डेस्टिनेशन है आर्मेनिया की, वो है टेंपल ऑफ गार्नी जो कि जस्ट मेरे पीछे है। मैंने इस टेंपल को इतना देखा है ना यार वर्चुअली, मैंने फोटोग्राफ्स में, मैंने वीडियोस में, मैंने बुक्स में, क्योंकि जब आप जैसे ही आर्मेनिया के बारे में आप स्टार्ट भी करोगे ना पढ़ना, तो यही एक मॉन्यूमेंट है, एक आर्किटेक्चर है ऐसा जो मास्टरपीस मैं बोल सकती हूँ इसको, जो कि आपको हमेशा दिखेगा। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। ये जो टेम्पल है बेसिकली ये 1st century CE में बनाया गया था बाय किंग ऑफ आर्मेनिया, उनका नाम था त्रिमेदी उनका नाम था, और उन्होंने बनाया था टू डेडिकेटेड टू आर्मेनियन गॉड ऑफ सन, और गॉड ऑफ सन का नाम है मिहिर, MIHR, तो उनके लिए ये टेम्पल बनाया गया था बहुत पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4th century में यहाँ पर हो गया क्रिश्चियनिटी, तो जब ये क्रिश्चियनिटी हो गई तो यहाँ के जो फिर राजा जो बने उन्होंने क्या किया, जितने भी पूरे आर्मेनिया में टेम्पल्स थे वो सब तोड़ दिए और चर्चेस बना दी उन्होंने उस जमाने में, और बट उन्होंने सिर्फ ये वाला टेम्पल छोड़ दिया क्योंकि ये इतना खूबसूरत टेम्पल है, और उनको ऐसे लगा कि इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक अ टॉम्ब, तो उनको लगा ये टॉम्ब की तरह दिखता है, टेम्पल की तरह नहीं दिखता है, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ बताऊँगी, अगर आपको टेम्पल ऑफ गार्नी आना है, ऐसा पूरे आर्मेनिया में सिर्फ यही एक ऐसा मॉन्यूमेंट है या आप हिस्टोरिकल लगा लो जहाँ पर फीस लगती है, जहाँ एंट्री फीस है, तो यहाँ पर पर्सन की जो एंट्री फीस है वो है 1500 आर्मेनियन ड्रैम, जो कि मोटा मोटा होते हैं हमारे 300 रुपए के करीब, ठीक है, 300-305 रुपए ऐसे होते हैं इंडियन रुपीस में अगर मैं आपसे बात करूँ तो। मगर यार इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, और आसपास जो है अगर आप देखोगे तो माउंट अरारत है मेरे हिसाब से आसपास, और इतने सुंदर सुंदर पेड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है ना ये हम रास्ते में भी बात कर रहे थे, ये शायद एप्पल ट्रीज हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम कल्पा गए थे, कल्पा बोले तो किन्नौर कल्पा की साइड, तब इस मौसम में वहाँ पर भी वाइट फूल वाले एप्पल के पेड़ होते हैं, तो ये पूरे यहाँ पर एप्पल के ही पेड़ मुझे लग रहे हैं, बाकी आप मेरे को कन्फर्म करके बताना जब आप यहाँ आओगे तो, ठीक है जी। तो अभी हमने कर ली बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, अब हम अंदर जाएंगे, फोटो फाटो खिंचाएंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे येरेवन की ओर, क्योंकि हमारी कुछ डेस्टिनेशंस येरेवन वाली पेंडिंग है जो कि टाइम ड्रिवन है, ठीक है जी, चलो आ जाओ अंदर। अच्छा हाँ, इसके टाइमिंग जो है इसके है 10 till 8 or 9 PM तक है, और जो ग्रिगार्ड जो टेम्पल था मोनेस्ट्री था उसके टाइमिंग थे 10 till 6, तो अगर आप दोनों प्लान कर रहे हो पर्सनल लेवल पे, अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले ग्रिगार्ड वाली मोनेस्ट्री जाना उसके बाद ये आना, अगर आप एक टूर के साथ आए हो तो वो तो अपने हिसाब से आपको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो पिलर्स देख रहे हैं ये 24 पिलर्स हैं जो डिपिक्ट करते हैं 24 hours a day, और 17th century में यहाँ पर बहुत ही भयानक आर्मेनिया में अर्थक्वेक आया था जिसमें जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे टूट गए थे, तो 1960s में स्विस आर्किटेक्ट वॉज द ओनली आर्किटेक्ट, उनका नाम था मैं बताती हूँ आपको फ्रेडरिक डुबोइस डे मोंटेप्रियक्स, ठीक है जी, ये अंकल थे जिन अंकल ने फिर से अटेम्प्ट करा, वही अंकल थे जिन्होंने अटेम्प्ट कर पाए इस स्ट्रक्चर को पूरा खड़ा करने में और ओरिजिनल डिजाइन देने में। तो ऐसा बोलते भी हैं कि यहाँ पर जो पत्थर भी हैं आपको ना खुद डिफरेंस हो जाएगा कि नए पत्थर कौन से हैं और पुराने पत्थर कौन से हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो थे वो टूट गए थे अर्थक्वेक में, सिर्फ यही एक मॉन्यूमेंट था जिसको फिर से इन्होंने रीडिजाइन कर दिया था, बाकियों को नहीं कर पाए, बाकी वैसे वैसे खंडर ही पड़े हैं, क्योंकि ये इतना ही सुंदर मॉन्यूमेंट है, सिर्फ इसी को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, तो सही में कह रही हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी मैं आ गई टेम्पल के अंदर, ये ऐसा है, तो अभी आपको दिख ही रहा होगा ये है पुराना, ये पत्थर है नीचे वाला नया वाला, तो आई बब्बा ये देखो जी ये है टेम्पल ऑफ गार्नी। तो ये
ये टेम्पल है, ये एक इकलौता टेम्पल है पूरे आर्मेनिया का जो बचा, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेस आई विल से, क्योंकि टेम्पल अगर आप देखोगे ना, टेम्पल बीचों बीच है और आसपास जो है पहाड़ ही पहाड़ ही पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर, तो जो कि काफी सुंदर है। अच्छा एक चीज मेरे को बतानी, जो हम वो ग्रे गार्ड मोनेस्ट्री जो गए थे, वहां पर आपको कोई स्टे का ऑप्शन नहीं मिलेगा, खाने पीने के आपको इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ वो रोटी मिल रही, जो अभी हमने रोटी ली थी वो रोटी मिल सकती है आपको, कॉफी मिल सकती है, बाकी कुछ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। मगर गार्डनी टेम्पल के आसपास रहने के भी स्टेज हैं, खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन है। तो दिस इज मोर टूरिस्टी एज कम्पेयर टू दैट चर्च, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके आना खाने। आर्मेनिया इतना घूम के, मतलब फर्स्ट डे का हमारा हाफ डे ऑलमोस्ट हो गया है, ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ के लैंडस्केप बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगहें हैं, साफ़ सुथरी कंट्री है, ये भी डेवलपिंग नेशन है, अपर मिडिल इनकम सेगमेंट में लोग आते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है यार, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं येरेवन की तरफ हमारे गार्नी टेम्पल से, और ये गार्नी टेम्पल का जो बस स्टैंड है, यहाँ से गार्नी टेम्पल की जो वॉक है वो लगभग 300-400 मीटर ही है। तो आप अगर पब्लिक कन्वेंस से भी आना चाहते हो तो बहुत सस्ते में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो हम वेट करेंगे मेट्रो का और वापस पहुँचेंगे येरेवन। तो ये है जहाँ गगन खड़ी है, वो बस स्टैंड है, वो खड़ी हमारी मोड़ी, ये रास्ता है जो सीधा गार्नी टेम्पल के लिए जाता है, और यहाँ बोर्ड लगा रखा है इन्होंने कि ये सिर्फ 360 मीटर है यहाँ से। तो ये रोड पकड़ के भागते हुए पहुँच जाना गार्नी टेम्पल, और हम जा रहे हैं भागते हुए येरेवन। तो गार्नी टेम्पल के बाद हमने वापस पकड़ी थी बस, मिनी बस, और हम लोग आ गए हैं हमारे अगले स्टॉप की तरफ, जिसे बोलते हैं गम मार्केट या आर्मेनियन मार्केट, जो कि रोशी मॉल एक है, उसके रोशी मॉल के बहुत पास में है, रोशिया, रोशिया मॉल, और ये तो बंगाली में बोल रहे हैं रशिया को रोशिया। तो रोशिया मॉल के पास में बाबू मोशा है ये वाली मार्केट है। तो गगन का कहना है कि भाई इस मार्केट में लोकल सामान ऐसा मिलता है भर भर के, ड्राई फ्रूट भर भर के, चलो आपको दिखाते हैं। तो ये है रोशिया मॉल के पास, ये है गम मार्केट, आर्मेनियन मार्केट, चलो अंदर चलते हैं। तो ये आ गए भाई हम रोशिया मार्केट में, आते ही कुछ खा लिया, अरे लड़की शाबाश है तेरे। गम मार्केट, गम वर्ड रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेन यूनिवर्सल स्टोर, और इस मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ड्राइड फ्रूट से लेकर के ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस और बहुत कुछ। जैसे ही आप इस मार्केट में एंट्री करेंगे, आपकी नजर पड़ेगी इन ड्राई फ्रूट की शॉप्स पर, और यहाँ के शॉपकीपर अपना सामान बेचने के लिए और आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी करते हैं। वो आपको इतना सारा ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट फ्री में टेस्ट कराते हैं कि आप ऑबलाइज्ड फील करेंगे और आप कुछ ना कुछ तो उनसे खरीद ही लेंगे। स्मॉल 1000, बिग 1500। ओके, तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारा ड्राइड मटेरियल मिल जाएगा, जैसे ये फ्रूट है, ये शुजुका है, तो ये फ्लेवर्स है इसके अलग अलग, शुजुक शुजुक, तो ये शुजुक है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ड्राइड मेलन, वॉलनट एंड हनी, अच्छा यार, मतलब हर चीज यहाँ पर आप कुछ भी टेस्ट कर लो, इट्स गुड। ये जो मार्केट है ये खुलती सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और मैंने लिया है शुजुकी की, जिसकी कॉस्ट है 1000 ड्रैम्स, जो हमारे इंडिया में पड़ता है 200 रुपये। अच्छा खासा मेरे को लगा, क्योंकि मैं बाहर भी मार्केट में रेट पता कर रही थी, सबने यही रेट बोला मुझे, तो सोचा कि चलो ले लेते हैं एक बार, उस साइड और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो फ्रूट के अलावा आपको ये स्पाइसेस भी मिलेंगे, जैसे अंकल सैफरन बेच रहे, अंकल बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी डिब्बी है सिर्फ 700 दिरहम में। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 700 दिरहम बोले तो कितने हो गए हमारे, 150 रुपये के करीब, 150 से 200 के भी बीच में हो गया, तो थोड़ा सा मुझे स्केप्टिकल लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर आपको वाइन भी टेस्ट करने को मिलेगी, जैसे देखो ये छोटे छोटे बना रखे उन्होंने सेशन, दिस इज वाइन राइट, 1000 ड्रैम बोले तो 200 रुपये का है ये चिटकू सा, और ये मुझे लग रहा है अनार के बीज की शेप इन्होंने दे रखी है, राइट, वेरी नाइस, कूल। अच्छा दिस इज इंटायरली इट्स वाइन एंड इट्स ओनली वाइन एंड विस्की आल्सो, कोन्याक, इज ऑफ दिस, दिस 1000 ड्रैम, दिस साइजिंग, वी हैव ऑल द टाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस वी हैव दिस साइजिंग, लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 This 12, this 1200 drum.
ओके okay. ये देखो शतूत, और ये पहली बार मैंने व्हाइट स्ट्रॉबेरी देखी अपनी लाइफ में। मैंने कभी भी व्हाइट स्ट्रॉबेरी ना देखी ना खाई, बट वेरी नाइस व्हाइट स्ट्रॉबेरी, रेड स्ट्रॉबेरी एंड शतूत। तो जी जैसा मैंने सुना था इस गम मार्केट के बारे में या फिर अर्मेनियन मार्केट के बारे में, सेम वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस था। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और आपको इतनी सारी चीजें ऑफर करने को मिलेंगे ना, इतनी भूख लग रही थी कि यहाँ पर आके ना पेट भर गया, क्योंकि वो मीठा सामान है ना तो, और ज्यादा महंगा भी नहीं था। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं तो 1000 दिरहम से लेकर 5000 दिरहम तक का आपको सामान मिल जाएगा। 1000 बोल तो 200 से लेकर हमारे इंडियन रुपीज 1000 रुपए तक का आपको अच्छा सामान मिल सकता है। अच्छे इन द सेंस कि अगर आप यहाँ से अगर आप वापस बाई चांस घर जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा ऐसे सुविनियर आइटम्स लेकर जा सकते हो। बाई चांस हम लोग यहाँ से घर नहीं जा रहे, हमारी नेक्स्ट ट्रिप प्लान है, फिर उसके अगले भी नेक्स्ट कंट्री प्लान है, तो लेके जाने को कोई फायदा नहीं। मैंने एक वो सुजुकी ले लिया है जिसकी कॉस्ट थी 1000 दिरहम, बोले थे 200 रुपए, और घर जाके आराम से खाएंगे। आई थिंक इसको फ्रिज व्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मौसम यहाँ पर इतना ठंडा इतना बढ़िया है। तो अगर आप आए अर्मेनिया और आपका अगर लोकल मार्केट घूमने का मन हो, जैसे हम लोगों की आइटनरी में हमेशा एक लोकल मार्केट जरूर होती है, तो आप ये वाले लोकल मार्केट में आ सकते हो। अगर आपको चॉकलेट्स वगैरह खरीदनी है वो भी थी अंदर, वाइन खरीदनी है, मसाले खरीदने हैं, वो सारी चीजें आपको अंदर मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अभी हो गया यहाँ पर हमारा समय समाप्त की घोषणा। अब हम जाएंगे अगली मार्केट, चेक करते हैं क्योंकि आई थिंक वो भी टाइम ड्रिवन थी। 6 बज चुके हैं यहाँ पर, तो अगर वो मार्केट खुली हुई तो ठीक, नहीं खुली होगी तो एक ब्लू मॉस्क करके जगह है, मतलब ऑब्वियसली मॉस्क है, हम वहाँ पर जाएंगे। ये फ्री साइज, दिस इज फ्री साइज, यस। 11000 रुपए कितने हो गए? लगभग 2500 के आसपास। 11000 रुपए नहीं, ओ हाँ, मतलब इतने तो पैसे ही नहीं आ रहे, बस इतने तो एक्सचेंज ही नहीं कराए। आप अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है ब्लू मॉस्क, जो पूरे अर्मेनिया में आपको सिर्फ एक ही मॉस्क दिखेगा, वो है येरेवन में, विच इज़ दिस ब्लू मॉस्क। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मॉस्क है, और ये इसकी जो प्लेसमेंट है ये आपको रिपब्लिक स्क्वायर जो है उसके पास में ही आपको मिलेगा। अभी जहाँ हम थे रोशिया मॉल से, तो रोशिया मॉल से यहाँ तक आने में हमें लगे सिर्फ 17-18 मिनट बाय वॉक, और ये 1.2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। बहुत सुंदर है, अभी टाइम बहुत अच्छा रखा है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये वाली एक डेस्टिनेशन भी आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। ब्लू मॉस के जस्ट सामने एक हमें ग्रॉसरी स्टोर दिख गया, तो हम वहाँ पर आगे कि थोड़ा रेट का आइडिया हो जाए कि फ्रूट सब्जियाँ इनके क्या रेट चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी फ्रेश अनार का जूस मिल रहा है, आई थिंक 250 ml की वो बॉटल थी, तो मिल रही है 1700 ग्राम में, तो बोले तो वो हो गया मोटा मोटा 300 रुपये के करीब हो गया, 3500 350 रुपए की बॉटल, तो महंगी है भाई अनार के जूस की, नहीं 350 रुपए का तो नहीं मिलता हमारे वहाँ पर। बाकी देखते हैं अंदर चलते हैं क्या हिसाब किताब है। इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये अखरोट की गिरी है जिसका प्राइस है 1419 दिरहम 100 ग्राम का, मतलब लगभग 3000 रुपए किलो अखरोट हो गया, तो महंगा ही हुआ ना यार। काजू है 659 का 100 ग्राम, मतलब आपका ये कितना हो गया लगभग 140 रुपए का 100 ग्राम, ये फिर भी 1400 रुपए किलो है, ये फिर भी ठीक है। काजू अच्छा बड़े साइज का काजू है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग वैरायटी के अखरोट। ये अखरोट सस्ता है, वो बड़ा महंगा था। अलग अलग वैरायटी के अखरोट, बादाम, ये देखो बादाम, अच्छे बादाम, ड्राई फ्रूट तो बहुत है यहाँ पे, नहीं मोटी दबा के ड्राई फ्रूट है, हाँ ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट कहना सिल्वी का बतेरा यहाँ पे। ये देखो फेरेरो रोशर का ये वाला डब्बा, इसकी प्राइस है 5250, मतलब 1000 से ऊपर का है यार। तो हमारे यहाँ कितने का आता है इंडिया में ये डब्बा, मैंने कभी खरीदा नहीं गैस, मतलब आइडिया दो आप कमेंट में कि महंगा है ये नॉर्मल ये सेम ही रेट है। चलो कुछ और भी देखते हैं, आइटम तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। इन कंट्रीज की ये खासियत है कि आपको इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में बतेरी दारू की बोतल और वाइन्स मिल जाती हैं, तो आपको स्पेशली ठेके पे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रॉसरी खरीदने आओ और साथ में खरीद लो यहाँ पे भर भर के दारू। भाई ये है कोई महंगी सी दारू, 46500 की बोतल है ये, बड़ी महंगी है। ये सुना है आपने ब्रांड इंडिया में, मैंने तो खैर नहीं पीता हूँ दारू, तो आइडिया नहीं है, पर वेरी नाइस। ये देखो भाई इन्होंने मस्त तरीके से वेजीज पैक कर दिए हैं, ये 849 दिरहम का पैकेट बना दिया है, महंगा ही लग रहा है मुझे, इतना सस्ता तो नहीं है। ये सीताफल मिल रहा है यहाँ पे, आलू के पैकेट बना दिए हैं, ये आलू के पैकेट का क्या रेट है? अच्छा धोखे रख दिए आलू भाई, ये धोखे डब्बा रख दिए 540 का, 750 ग्राम, 750 ग्राम 500 रुपये, अरे भतीरा महंगा यार, 100 रुपये किलो से ऊपर का आलू है सिल्वी, आलू 100 रुपये किलो, इंडियन रुपीज 100 रुपये किलो से ऊपर का है। सूखा हुआ 155 है।
काफी बड़ी मस्त सी सुपर मार्केट है यार। चलो कुछ पीने के लिए ढूंढते हैं, मन कर रहा है कुछ पीने का हो जाए। चिलर सेक्शन का है सामने, लेट्स फाइंड आउट। ये है भाई पीने का काउंटर, यहाँ तो भर भर के वैरायटी है। कितनी सारी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, किसी नॉन ब्रांड का आइडिया लेते हैं। क्या आ गया? फैंटा। तो ये है फैंटा की बॉटल, जिसकी कीमत है 490, मतलब 100 रुपये के आसपास। इट्स नॉट बैड, इट्स फाइन। ये है कोका कोला, अगेन अराउंड 1 लीटर, लगभग 100 रुपये के आसपास, नॉट दैट बैड। छोटी बॉटल 330 दिरहम की, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। सही है पीने का तो, मस्त जुगाड़ रेट का। चलो कुछ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर चलते हैं। तो जी जब हम वहाँ से निकले उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, ग्रॉसरी स्टोर से, तो हम लोग थकते थकाते, हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वो था नॉर्दर्न एवेन्यू। नॉर्दर्न एवेन्यू बेसिकली क्या है, जो रिपब्लिक स्क्वायर है, सो बेसिकली ये पूरी मार्केट इज रिपब्लिक स्क्वायर। तो उसका जो पॉशेस्ट एरिया होता है ना, जहाँ पर बहुत सारे कैफेज होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपके दारू वारू पीने का ऑप्शन होता है, पब होते हैं, तो वो सारा का सारा जो पूरा तामझाम है वो नॉर्दर्न एवेन्यू वाले रोड पे है। तो हम वहाँ से होते हुए अपने बीएनबी, मतलब अपने रूम में जा रहे हैं, बीएनबी तो नहीं, मतलब अपने होटल में जा रहे हैं हम। और अभी होटल में जाके ना हमें सॉर्ट आउट करना है। अभी हमने आज अपना डे बड़ी जल्दी कॉल आउट कर दिया है, सिर्फ 8:30 बजे आर्मेनिया के टाइम के हिसाब से। रीज़न ये है क्योंकि एक तो हमने कल का ना सॉर्ट आउट करना है, कल हमारा है डे ट्रिप, और वो डे ट्रिप जो है वो तातेव मोनेस्ट्री की साइड होने वाला, जो कि बहुत लंबा दिन होगा। उसमें मैं तो अभी सिर्फ तातेव बोल रही हूँ, बल्कि 5-6 जगह उसमें और ऐड होंगी। तो अगर मैं अपने पर्सनल लेवल से जाऊं, मतलब वो मिनी बस करके जाऊं, तो मैं सिर्फ एक जगह कवर कर पाऊंगी, विच विल बी तातेव मोनेस्ट्री। अगर मैं इनके साथ जाऊंगी तो शायद मैं ज़्यादा कवर कर लूंगी, मतलब 3-4 चीज़ें मैं और कवर कर लूंगी, क्योंकि आज मैंने अच्छा खासा पैसा बचा लिया है। क्योंकि वो टेम्पल ऑफ गार्डनी गिगट, उसमें हम दोनों का मिला के सिर्फ 2000 दिरहम ही लगे थे, 2000 बोले तो सिर्फ 400 रुपया ही लगा हमारा, इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूँ तो। इसलिए बचाया था क्योंकि कल का दिन मैं आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट कि मैं डे ट्रिप करके जाऊं, इसलिए वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। सिम है नहीं हमारे पास, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम अपने रूम में जा रहे हैं। पहले कल का दिन सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अजरबैजान भी अभी सॉर्ट आउट करना है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। खाना हमने बाहर नहीं खाया, खाना हम घर पे ही खाएंगे, क्योंकि वो हल्दीराम का हमारे पास वो सब है, पालक पनीर, राजमा, ये सारी चीज़ें हैं, चावल है हमारे पास। सो लेट्स सी हम अभी क्या करते हैं। मगर आज के लिए हमारा जो ब्लॉग है हम वो अंत करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आज ब्लॉग की जो थीम थी वो ये थी कि हाउ यू नो वी आर लाइकिंग आर्मेनिया, बेसिकली उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपने देखा भी था कि कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ यू नो बॉक्स जाकर। इंटरनेट नहीं है हमारे पास, तो जिसको भी मैं बोल रही हूँ कि मेरे को प्लीज़ हॉटस्पॉट दे दो, फटाफट हॉटस्पॉट ऑन करके हमें दे देता है। बहुत हेल्प करी हमें हिच हाइकिंग के लिए, हमें लिफ्ट मिली एक साइड में, तो ओवरऑल इट्स गुड। अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूँ तो पैसों के लिए भी मुझे लगा कि शायद हमारे से साथ का ही था, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो आप, हल्का फुल्का ऊपर होगा, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इक्वली लगा। इंडिया का रेट और आर्मेनिया का रेट इक्वल लगा। फूड की अगर मैं बात करूँ, फूड यहाँ पर जैसे हम वहाँ गम मार्केट गए थे, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, सही था, मतलब 100 रुपये में वो इतनी लंबी वो स्टिक ले आए, विच इज़ वर्थ, राइट। अच्छा, मतलब अच्छी 100-150 रुपये की थी वो, तो वो सही थी खाने वाइज। फूड की वैरायटी यहाँ पर अच्छी है, जैसे वो हमने लाविश, वो जो ब्रेड थी ना वो बड़ी वाली जो हमने खाई थी गिगर मोनेस्ट्री के पास, तो वो थी लाविश ब्रेड, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस ब्रेड है, हमें सिर्फ 200 आर्मेनियन दिरहम में मिली थी। फूड वाइज इट्स गुड, पीपल वाइज इट्स गुड, कॉस्ट इफेक्टिव है, हेल्पफुल है। और अगर मैं ओवरऑल आर्किटेक्चर की बात करूँ तो वो अमेजिंग आर्किटेक्चर है, क्रिश्चियन कंट्री है। तो अभी तक आई अगेन रिकमेंड कि आप अगर जॉर्जिया वाला ट्रिप बना रहे हो, जनरली इंडियंस आर्मेनिया का ट्रिप मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं वो, जॉर्जिया एंड अजरबैजान ही करते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप जॉर्जिया करो तो आर्मेनिया भी ऐड कर लेना अपनी ट्रिप में, इट्स अ गुड कंट्री। आप 3-4 दिन का भी रख सकते हो, 3-4 दिन में आप अच्छा अच्छा मोटा मोटा कवर कर लोगे, ठीक है। तो मैंने अब आपको फर्स्ट डे के बारे में बता दिया, हमारा कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है, मैं आपको सारा बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने में हमने टूर बुक करा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से मैंने बुक करा, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगी कल के ब्लॉग में। तो अभी के लिए अब हम करते हैं बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू, और आपको मिलेंगे कल। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय।